हेलो एवरीवन, आज मैं आपको विटामिन ए के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसा सबसे पहले विटामिन ए, अब इसे विटामिन भी बोल सकते हैं, वाइटामिन भी बोल सकते हैं, इसकी प्रोनंसिएशन आपके ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि कुछ इसे वाइटामिन बोलते हैं, कुछ इसे विटामिन बोलते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास बहुत सारी वैरायटी में होती हैं। बेसिकली जो विटामिन होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक होती है फैट सॉल्युबल और एक होती है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो अभी मैं जिस विटामिन की बात करी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज विटामिन ए विच इज फैट सॉल्युबल विटामिन। और ये नेचुरली बहुत सारे फूड में, बहुत सारी खाने की चीज़ों में ये नेचुरली प्रेजेंट होती है। उसमें कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं। तो फर्स्ट जैसे देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि ये फैट सॉल्युबल है। उसके अलावा इसके थ्री मेन इंपॉर्टेंट्स है विटामिन ए के। फर्स्ट तो है नॉर्मल विजन, सेकंड इम्यून सिस्टम एंड थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन। तो ये हमारी जो आई साइड होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिस फ्रूट्स और वेजिटेबल में प्रेजेंट होती है, जो सोर्सेज हैं फूड और वेजिटेबल के जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होती है, वो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसमें देखिए, जैसे कि मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बोला तो इसमें येलो, रेड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्पिनच, कैरेट और उसके अलावा ब्रोकली या फिर स्वीट पोटैटो जिसको हिंदी में शक्करकंदी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं येलो और रेड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के। इसके अलावा रेड पेपर भी इसका एग्जांपल है। एंड फ्रूट्स में जो येलो फ्रूट्स होते हैं लाइक मैंगो एंड पपाया, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है विटामिन ए। इसके अलावा जो और सोर्सेज हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा, तो वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चीज, एग, मिल्क एंड योगर्ट। ये कुछ एग्जांपल है जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट है। तो ये जो पॉइंट है विटामिन का, इसमें चीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट तो इसके इंपॉर्टेंस पता होने चाहिए कि थ्री मेन इंपॉर्टेंस है वो। उसके अलावा सोर्सेस पता होने चाहिए एंड लास्ट वन इज कि ये फैट सॉल्युबल है या फिर वाटर सॉल्युबल है। इसके विटामिन के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।